पूरे इंडिया के सुपरस्टार एक्शन हीरो प्रभास की मूवी कल की 2098 AD जो कमाई कर रही है, आप लोग सोच सकते हैं गाइस, पूरा देश सोचने पर मजबूर हो चुका है ये मूवी ऐसी कमाई क्यों कर रही है। क्योंकि मूवी की जो स्टोरी है वो ज़बरदस्त है, जो एक बार जा रहा है मूवी देखने के लिए वो कई बार जा रहा है। लोगों का ये भी कहना कि मूवी जब तक थिएटर में लगी रहेगी तब तक हम जाएंगे मूवी देखने के लिए। कुछ प्रभास के फैंस जो है वो बहुत क्रेजी फ़ैन है, वो इतने ज़बरदस्त फ़ैन है कि वो लोग पोस्टर को लेकर रोड पर निकल जाते हैं प्रमोशन के लिए। जी अगर लोगों को बताते हैं ये मूवी ज़बरदस्त है, इसको देखना चाहिए, अच्छी खासी मूवी है। विदेश में भी बहुत ही क्रेजी फ़ैन है प्रभास के, विदेश में अच्छा खासा रिस्पॉन्स गाइस मिल चुका है प्रभास की मूवी कल्कि का। सिर्फ विदेश से जो कमाई कर ली गाइस, मैं आपको बताऊंगा मूवी 5 दिनों में विदेश से कितने करोड़ की कमाई कर ली है, और सुनने के बाद आप शॉक हो जाएंगे। क्योंकि जो कमाई से मूवी विदेश से कर ली 5 दिनों में, वो इंडिया की जो मूवी होती गाइस तरस जाती है सिर्फ इंडिया में इसी कमाई करने के, वर्ल्ड वाइड कमाई करने के लिए तरस जाती हैं। जो प्रभास की मूवी कल्कि ने ओवरसीज विदेश से टोटल कमाई कर ली अपने 5 दिनों में। जी हाँ गाइस, अब आपको मैं बता दूँ मूवी का बजट 600 करोड़ है। 600 करोड़ में बनने वाली फिल्म कल्कि 2098 AD आपने पहले दिन से लेकर 5 दिनों तक ज़बरदस्त, आप लोग कह सकते हैं धुआंधार कमाई कर ली है। अभी तक गाइस थिएटर के सामने भीड़ ख़त्म नहीं हो रही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें टिकट भी नहीं मिल रहे हैं। मेरा कहना है आप लोग एडवांस बुक कर लीजिए, क्योंकि अभी थिएटर के सामने भीड़ लगी रहेंगे। फर्स्ट वीकेंड जो है वो पूरा आप लोग कह सकते ज़बरदस्त जाने वाला है, पूरा फर्स्ट वीकेंड मूवी ताबड़तोड़ कमाई कर लेगी। सेकेंड वीकेंड में थोड़ा खाली होगा थिएटर, लेकिन फर्स्ट वीकेंड जो वो पूरा भाई साहब आप लोग कह सकते हैं हाउसफुल ही चलेगा, क्योंकि एडवांस बुकिंग छप्पर फाड़ हुई है। संडे के मौके पर गाइस मूवी ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, और गाइस मूवी अपने मंडे के मौके पर ज़बरदस्त कमाई करके बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है। तो आपको बताता चलो मूवी अपने 5वें दिन मंडे के मौके पर क्या कलेक्शन कर रही है, किस तरीके का इस बड़ा नंबर देखने मिला है। इंडिया नेट कलेक्शन, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन, विदेश से क्या कलेक्शन आ रहा है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो चुका है। तो आपको बताता चलूँ फर्स्ट डे 1 से लेकर गाइज आपको डे 5 तक हिंदी से कलेक्शन कर ली थी मूवी ने अपने पहले दिन 22 करोड़ 50 लाख रुपये का, तेलुगु से 64 करोड़ 10 लाख रुपये का, तमिल से 4 करोड़ 80 लाख रुपये का। ऑल इंडिया मूवी का पहले दिन का कलेक्शन रहा 96 करोड़ 20 लाख रुपए का। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 126 करोड़ रुपए का रहा। ओवरसीज मार्केट से 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 191 करोड़ 50 लाख रुपए के आंकड़े को टच कर ली थी कल की मूवी। डे 2 की बात करते तो गाइस दूसरे दिन मूवी हिंदी से कलेक्शन किया 23 करोड़ 25 लाख रुपये का, तेलुगु से 27 करोड़ रुपये का कलेक्शन रहा, तमिल से 3 करोड़ 80 लाख रुपये का कलेक्शन रहा। ऑल इंडिया गाइस मूवी का कलेक्शन रहा अपने दूसरे दिन फ्राइडे मौके पर 58 करोड़ रुपये का। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 77 करोड़ रुपये का। ओवरसीज मार्केट से 30 करोड़ रुपये का कलेक्शन आया। वहीं वर्ल्ड वाइड कैसे गाइस मूवी अपने दूसरे दिन फ्राइडे के मौके पर बहुत बड़ा नंबर लाकर सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। 107 करोड़ रुपये का बड़ा नंबर ले आई थी गाइस मूवी अपने फ्राइडे मौके पर, जो कि फ्राइडे को गाइस हर मूवी 100 करोड़ से नीचे ही रही। जवान को छोड़कर जवान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई दूसरे दिन का, क्योंकि जवान ने 110 करोड़ का कलेक्शन किया था, और कल के मूवी 107 करोड़ का कलेक्शन की है वर्ल्ड वाइड। तो आपको बता दूं मूवी अपने तीसरे दिन हिंदी से ज़बरदस्त जंप लेकर 27 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया, तेलुगु से 31 करोड़ रुपये का, तमिल से 5 करोड़ 30 लाख रुपये का। सैटरडे मौके पर ऑल इंडिया में गाइस मूवी ने कर लिया था कलेक्शन 65 करोड़ का। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 85 करोड़, विदेश से 32 करोड़, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन गाइस मूवी अपने तीसरे दिन सैटरडे के मौके पर 117 करोड़ के आंकड़े को टच करने में कामयाब हुई। चौथे दिन की बात करते तो गाइस संडे को बहुत ही तगड़ी आप लोग कह सकते हैं एक अपने पहले दिन से ज़्यादा एडवांस बुकिंग की, और चौथे दिन हिंदी से ज़बरदस्त धमाका गाइस आप लोग कह सकते हक जंप लेकर 35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, तेलुगु से 45 करोड़, तमिल से 7 करोड़। ऑल इंडिया गाइस मूवी 90 करोड़ के आंकड़े को टच करने में कामयाब हुई। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 118 करोड़ रुपये का रहा। ओवरसीज मार्केट से 35 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन गाइस मूवी अपने चौथे दिन संडे के मौके पर 150 करोड़ के आंकड़े को पार करने में कामयाब हुई, 153 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर ली थी मूवी। अपने 5वें दिन क्या कमाई कर ली, किस तरीके का बड़ा नंबर देखने मिल रहा है गाइस आपको बता दो। मूवी अपने 4 दिनों में हिंदी से कलेक्शन कर लिया था 107 करोड़ 20 लाख रुपये का, तेलुगु से टोटल कलेक्शन 4 दिनों का रहा 176 करोड़ 10 लाख रुपये का, तमिल से 18 करोड़ 60 लाख रुपये का कलेक्शन रहा। ऑल इंडिया गाइस मूवी का कलेक्शन 310 करोड़ 20 लाख रुपये का हो चुका था। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 412 करोड़ रुपये का रहा। विदेश से 4 दिनों का टोटल कलेक्शन 158 करोड़ रुपये का हुआ। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन गाइस मूवी अपने चौथे दिन 568 करोड़ रुपये का बड़ा नंबर लाकर बहुत सारी फिल्मों के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं।
जी हाँ गैस, आपको मैं बता दूं कि इससे पहले आई जवान, पठान, सालार, KGF चैप्टर 2 जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिए 4 दिनों में। 4 दिनों में गैस मैंने जितनी मूवी का नाम लिया है उसने कलेक्शन किया 520 करोड़ के अंदर, और ये मूवी गैस 568 करोड़ रुपये का बड़ा नंबर लाकर सारे मूवी के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए नजर आई है। बात करें मूवी अपने 5वें दिन क्या कमाई कर रही है, तो गैस आप लोग कह सकते हैं मूवी अपने 5वें दिन हिंदी से कमाई कर रही है 25 करोड़ रुपये की। जी हाँ गैस, 25 करोड़ रुपये की कमाई कर रही है, और तेलुगु से जो कमाई कर रही है वो भी गैस आप लोग कह सकते हैं कि 25 करोड़ रुपये की हो रही है। तेलुगु से भी तमिल से 3 करोड़ का कलेक्शन आ रहा है, मतलब कि गैस ऑल इंडिया में मूवी 53 करोड़ के आंकड़े को टच करने में कामयाब हो रही है। 53 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन, इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 70 करोड़ रुपये का। जी हाँ, तो आपको बता दूँ कि ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन आ रहा है वो है कितना, आप लोग कह सकते हैं सिर्फ 20 करोड़ रुपये। जी हाँ, 20 करोड़ विदेश से और यहाँ पर 70 करोड़, तो 70-20-90 करोड़ के आंकड़े को गैस मूवी वर्ल्ड वाइड टच कर रही है। मतलब गैस मूवी का 5वें दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 90 करोड़ रुपये का हो रहा है। अगर गैस मूवी 20 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेती है ओवरसीज में तो 90 करोड़ रुपये का यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मूवी अपने 5वें दिन भी करते हुए नजर आएगी। कुछ इस तरीके की गैस बड़ा नंबर देखने मिल रहा है। अच्छा खासा मूवी के एडवांस बुकिंग तो हुई है मंडे के मौके पर, और गैस मुझे यहाँ तक लगता है कि मूवी 90 करोड़ के तो आंकड़े को गैस टच कर लेना चाहिए। अगर भाई साहब मूवी टच कर लेती है तो आप लोग कह सकते हैं 650 करोड़ रुपये का जो आंकड़ा है वो पार हो जाएगा। अच्छी खासी गैस मूवी इस समय ज़बरदस्त छप्पर फाड़ कमाई करते हुए नजर आ रही है, ज़बरदस्त। आपको बता दूंगा इससे पहले जो मूवी आई है प्रभास की, जैसे कि बाहुबली 2 जिसने 1810 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे नंबर पर आती है सालार जिसने 705 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। दूसरे नंबर पर आती है बाहुबली जिसने 650 करोड़ का कलेक्शन किया। चौथे नंबर पर आती है आदिपुरुष जिसने गैस 460 करोड़ का कलेक्शन किया। और पांचवें नंबर पर आती है साहू जिसने 431 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। छठे नंबर पर आती है राधेश्याम जिसने 144 करोड़ का कलेक्शन किया। इसमें गैस आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें से 2-3 मूवी ऐसी हैं जो ज़बरदस्त फ्लॉप हुई हैं, लेकिन से एक फ्लॉप मूवी 400 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। ये देखिए आदिपुरुष जिसने 460 करोड़ रुपये का बड़ा नंबर लाकर सारी, आप लोग कह सकते हैं कि इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो 142 करोड़ रुपये की रही आदिपुरुष की। और आदिपुरुष भाई साहब दूसरे दिन बहुत ज़बरदस्त गिरा था। दूसरे दिन आप लोग कह सकते हैं इसका जो है कि गैस फ्लॉप होने पर लग चुकी थी, ऐसी गिरी थी मूवी। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि आदिपुरुष मूवी एक ज़बरदस्त फ्लॉप मूवी, आदिपुरुष जिसने 460 करोड़ रुपये के नंबर को टच किया है, इसे कहते हैं भाई साहब पावर ऑफ प्रभास। प्रभास का इतना पावर है, इतना पावर है कि उनकी फ्लॉप मूवी भी बहुत बड़ा नंबर लाती है। ये गैस अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये प्रभास को कहा जाता है रिकॉर्ड का किंग। जी हाँ गैस, रिकॉर्ड का किंग कहा जाता है प्रभास को। इनकी जब भी कोई मूवी आती है वो बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बनाती है, ये है गाइज इनके अंदर। तो गाइज फिलहाल वीडियो के पेरेंट कहते हैं, वीडियो का अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।